कुछ दबंगों के द्वारा रात में भैंस की चोरी और फिर सीना झोरी का मामला सामने आया है। मंडल हुजूरपुर जनपद बहराइच के अंतर्गत ग्राम पंचायत शीतलपुरवा खरगापुर के कमलेश तिवारी के यहाँ देर रात 23 तारीख को चोर भैंस खोल रहे थे। तभी कमलेश तिवारी बाथरूम के लिए उठे थे तो देखा कि चोर भैंस खोल कर ले जा रहे हैं। तभी दौड़कर चोर को पकड़ लिया। तब दोनों के बीच हाथापाई हुई और फिर चोर भाग निकला। इसकी सूचना थाना हुजूरपुर को दिया गया। नाम दर्ज लेकिन दारोगा ने इस पर कार्रवाई नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद जब कमलेश तिवारी हुजूरपुर चौराहे को जा रहे थे तभी रास्ते में चोर रंजन तिवारी पुत्र राम निवास तिवारी इनके साथ 23 लोग मिलकर और गाड़ा बंद कर इन्हें मारने की कोशिश की। ईंट और पत्थरों के साथ हाथ गोला फेंक कर इनको दौड़ाया और फिर कमलेश तिवारी पुत्र मिहिलाल तिवारी किसी तरह भाग करके इन्होंने अपनी जान बचाई और साथ ही साथ थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आकर हथगोला बरामद किया और विपक्षी पार्टी से कुछ पैसे लेकर दोनों पक्षों का 151 में चालान कर दिया और जमानत कार्यवाही। जमानत के बाद ये रंजन तिवारी पुत्र राम निवास तिवारी अभी भी शांत नहीं हुए हैं, गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। इस पर कोई कार्यवाही प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। प्रशासन ने पूरी घटना पर मौन धारण करे बैठा है और यदि जान का खतरा होता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टीवी समाचार। पूरी बात बताओ, आपका घर कहाँ है पहले ये बताओ। हम घर शीतलपुरवा। शीतलपुरवा ग्राम पंचायत शीतलपुरवा है जी। नहीं, खरगापुर मौजा है। खरगापुर। खरगापुर मौजा। तो क्या समस्या है आपका? समस्या ये जो रंजन तिवारी है वो डिजिटल गुंडा है, मतलब चोर भी है। अच्छा अच्छा। जिसके खिलाफ ना जाने कितने मुकदमा थाने में दर्ज चोरी के, और रात को एक दिन भैंस खोलते हुए पकड़ा गया। फिर हमने थाने में एप्लीकेशन डाला। अच्छा अच्छा। उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं जी। थाने पर गए हो आप, कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। आगे आगे 5-7-8 दिन तक लगातार गालियाँ और हथगोला फेंकते हुए भी पकड़ा गया। हथगोला भी हमने थाने में बरामद करवाया, जो एक दग गया और एक नहीं दगा, जो उसको हमने थाने में दर्ज करा दिया। अच्छा, दर्ज कर लिए इसे? हाँ जी, दर्ज कर लिए। और उसके बाद फिर जब हम लोग अपराधी को पकड़ लिया, हमको जान माल खतरा होने पर हमने रंजन तिवारी को पकड़ लिया, तो उसको पकड़ने के समय पर किस तारीख की बात है ये जी? पहली तारीख का मैटर कल। इसी महीने? इसी महीने की। अच्छा। तो जब हमने पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि जनता के पास पकड़ने का अधिकार अपराधी को नहीं है। तो हमने कहा सर, हमारी जान अगर चली जाती तो क्या होता। मैं अपने जान माल बचने के लिए मैं अपराधी को पकड़ लिया। फिर चलो ठीक है, दरोगा ने हमको 151 में और एक जो पार्टी उसको बचा रही थी, अमन तिवारी उसका नाम है और राजू तिवारी, उसने उसको बचा लिया चोर को। चोर भाग गया। फिर हमको 151 में भेज दिया गया। हमने जमानत कल करवा कराया। अच्छा। फिर वो सब भाई लोग जितने थे वो हमको ब्रह्मचारी बाबा के स्थान पर कर्नेलगंज रोड पर, अच्छा, उसने शाम को 7 बजे हमको घेरा किया। फिर हम किसी तरह से जान माल खतरा कर बचा कर किसी तरह सब लोग बचकर चले गए। फिर उसकी एप्लीकेशन हमने अभी नहीं दिया, जो कि मामला आज भी इस चीज पर रुका है। बाकी कल तक ये जो घटना बरकरार रूप से भी गड़बड़ चल रहा मैटर जी। बरकरार रूप से गड़बड़ चल रहा है। हाँ, बरकरार रूप से गड़बड़ चल रहा है। जान माल के खतरा, बार बार धमकी देते हैं। उनके जितने भाई हैं और उनके पिताजी जो राम निवास मास्टर हैं वो भी बढ़ावा देते हैं कि जो पैसा लगेगा मैं छुड़ा लाऊंगा। और